बिहार से बड़ी खबर है। अमित शाह करेंगे मुकेश सहनी से मुलाकात। बिहार में भाजपा खेल सकती है कोई बहुत बड़ी पारी। नमस्कार, मैं हूं संजीव, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत ही जल्द वीआईपी के प्रमुख अमित शाह से मुलाकात करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही जल्द उनकी मुलाकात वीआईपी के प्रमुख अमित शाह का कहना है कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी से उनकी मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई बहुत बड़ी पारी खेलने वाली है। बता दें कि पहले से ही चिराग पासवान के संपर्क में रहे भाजपा बिहार बीजेपी ने एक बार फिर से मुकेश सहनी के ऊपर बड़ा दाव खेलते हुए उनसे मुलाकात करने की जो बात कही है, उससे खबर तो यही आ रही है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कोई बहुत बड़ा खेल तैयार कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर से कटाक्ष करते हुए मुकेश सहनी ने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, ना कि बिहार के विकास से उनको कोई मतलब है। मुकेश सहनी का कहना था कि बहुत ही जल्द उनकी मुलाकात अमित शाह से होने वाली है और अमित शाह से मुलाकात के बाद आखिर हम दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, ये आप सभी को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। बता दें कि मुकेश सहनी ने बिहार में चिराग पासवान से मुलाकात करने के बाद बिहार के विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात की थी। उन्हीं उसी शब्द को लेकर उनको उनका कहना था कि बिहार के भविष्य के लिए और बिहार के विकास के लिए मुझे एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी है, और अमित शाह ने भी इस बात के लिए मुहर लगा दी है कि दोनों की मुलाकात बहुत ही जल्द होने वाली है। बता दें कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अभी से ही अपना कमर कस चुकी है। उसी सिलसिले में मुकेश सहनी की मुलाकात अमित शाह से हो रही है, तो ये बिहार के सियासत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा बिहार में छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ना चाहती है ताकि एक मजबूत पार्टी बना सके। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के भी संपर्क में बीजेपी थी, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहते हुए इस पे पूर्ण विराम लगा दिया है कि वो भले मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता लगभग साफ हो चुका है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की लड़ाई इतने आगे बढ़ चुकी है कि दोनों ने पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया है और उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से इस्तीफा देते हुए अपनी एक अलग पार्टी बनाने का दावा भी कर दिया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की हर खबरों के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।